अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। यार तो आज हम एक कंपैरिजन रिव्यू के साथ आए हैं एंड हमारे पास दो गाड़ियाँ हैं, एक है ग्लोरी 580 प्रो एंड एक है टुक्सॉन ऑल व्हील ड्राइव अल्टीमेट, जो उसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। तो अब इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे एंड आपको दिखाएंगे, फिर आखिर आप कॉमेंट्स में बताना कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार ये इनकी कीज है, ये ग्लोरी 580 प्रो की की है एंड ये टुक्सॉन की है, तो दोनों की कीज आ गई। अब ये गाड़ियाँ दोनों सामने से आप देख सकते हैं बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। अब दोनों में कंप्लीट एलईडी लाइट्स हैं, टुक्सॉन में आप देख सकते हैं इसके भी फुल एलईडी सिस्टम है, इसमें भी फुल एलईडी रैंप्स आते हैं एंड इसकी जो स्टार लाइट ग्रिल है ना वो बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। इसमें एलईडी लाइट स्टार लाइट ग्रिल आता है, नीचे फॉग लाइट्स इसकी हो गई, एज अ कॉर्निंग लाइट भी यूज़ होती है। अब टुक्सॉन की तरफ आती जाएँ, ये भी आगे से बड़ी एग्रेसिव लगती है एंड बड़ी प्यारी लगती है। अब इन दोनों के मैं आपको वो बताता चलूँ, तो ग्लोरी है 15.4 फीट एंड टुक्सॉन है 14.8 फीट लेंथ में। अब वेट में दोनों 6-6 फीट है एंड हाइट में ग्लोरी 5.7 फीट है एंड टुक्सॉन 5.5 फीट है। ग्राउंड क्लियरेंस ग्लोरी की है 7.8 इंचेस एंड टुक्सॉन की 6.7 इंच है। व्हील बेस ग्लोरी का 9.1 फीट है एंड टुक्सॉन का 8.9 फीट है। तो ये तो था इनका मतलब डिफरेंसेस थे। अब आपको बताते चलें, ग्लोरी में जो फ्रंट में आता है आपको नज़र आ रहा है, इसमें कैमरा दिया गया है एंड टुक्सॉन में फ्रंट कैमरा नहीं दिया गया। तो साइड प्रोफाइल की तरफ चलें, इसमें भी R18 के रिम्स आते हैं, कुंभो के टायर हैं जो बड़े प्यारे हैं एंड इसका शेप तो आप देख ही सकते हैं। ग्लोरी में भी सेम R18 के रिम्स आते हैं एंड चैंग याओ का टायर है, चाइनीज टायर है एंड इसमें जो अट्रैक्टिव चीज़ लगती है वो इसकी ब्रेक कैलिपर्स है, वो रेड में हुए हुए हैं। अब आपको दोनों की बॉडी लाइन नज़र आ रही होगी साइडों पे, मतलब ब्लैक आउटलाइन गई हुई है, ये दोनों गाड़ियों को बड़ा रगेड लुक देते हैं। साइड प्रोफाइल की तरफ चलते चलें, तो इस गाड़ी में साइड मिरर्स हीटेड आते हैं, 360 कैम भी है, एलईडी लाइट्स, ऐसा कि टुक्सॉन में साइड कैमरा नहीं है, मतलब 360 कैमरा व्यू अवेलेबल नहीं है। दोनों में क्रोम हैंडल्स आते हैं, एंड्रिक वेस्टेंसर्स आते हैं, पीछे दोनों में क्रोम की स्ट्रिप गई हुई है, ग्लोरी में भी क्रोम की स्ट्रिप गई हुई है। इसके जो रैक्स हैं ये बॉडी कलर्ड में हैं, इसके सिल्वर गार्निश में आते हैं। दोनों में क्वाड विंडोज़ हैं एंड ग्लोरी की हाइट थोड़ी ज़्यादा ही है। तो आप पीछे से व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, पीछे से आप देखिए दोनों गाड़ियाँ कैसी लग रही है, ये एंड ये होगी ग्लोरी। तो ग्लोरी आप देख सकते हैं, पीछे इसकी हैमर लाइट्स हैं, स्पॉइलर हैं, वाइपर दिया हुआ है, बैक कैमरा एंड पीछे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और जब डिग्गी ऊपर जाती है तो नीचे की ये लाइट्स एंड एग्जॉस्ट दिया हुआ है। अब टुक्सॉन की तरफ हम आते चलें, तो इसमें भी स्पॉइलर, वाइपर दिया गया है, लाइट्स है एंड बैक कैमरा, बट इसके बैक पे पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल नहीं है। तो इंटीरियर की तरफ पहले ग्लोरी की इंटीरियर देखते हैं, फिर आपको टुक्सॉन का दिखाएँगे। तो अंदर बैठते साथ ही इसको करते हैं हम ऑन एंड इसको हमने ऑन किया, तो इसका आप देख सकते हैं ये ग्लोरी का इंटीरियर है एंड आपको देख के मतलब एक चॉकलेट ब्राउन सी थीम गाड़ी में यूज़ की गई है जो इसको बड़ी प्रीमियम लुक देती है। अब गाड़ी में जो फीचर्स हैं वो है क्रूज कंट्रोल आता है, वो वॉल्यूम का बटन आता है, लेकिन जो मेन कंपैरिजन फीचर्स है इसमें आपको मैं दिखाऊंगा। ग्लोरी में 360 कैमरा आता है जो आपको पार्किंग के टाइम बड़ा हेल्पफुल होता है, मतलब आप इसके एंगल्स डिसाइड करते हैं, पार्किंग के टाइम आपको बड़ा हेल्पफुल करता है। पार्किंग बैक रियर सेंसर्स आते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर्स, इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग मिल जाएगा और ये इसके साइड मिरर्स आप देख सकते हैं हीटेड हैं, यहाँ से ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये ग्लोरी का वो था इंटीरियर था एंड ये भी बड़ा प्रीमियम लगता है एंड इसी के साथ कुछ लोगों को टुक्सॉन का इंटीरियर प्यारा लगेगा, कुछ लोगों को ग्लोरी का इंटीरियर प्यारा लगेगा, वो तो बंदे की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस पे होती है। इस साइड पे देखते चले तो वही इसका है, वो ट्रंक ओपनर आ जाता है एंड लेवलिंग लाइट्स और वो रिट्रैक्टेबल मिरर्स आ जाते हैं। अच्छा, इसकी जो पावर विंडोज़ हैं ना वो वन टच सारे हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने वन फिगर डाउन किया, वो नीचे आ गया। अब इसको मैं वन टच करूँगा तो वो खुद ही ऊपर जा रहा है।
तो अब हम आपको टुक्सॉन का इंटीरियर दिखाते हैं कि उसमें क्या फीचर्स अवेलेबल है आपके पास। चलते हैं आप उसके इंटीरियर की तरफ। तो भाई साहब अभी हम आ गए टुक्सॉन की इंटीरियर में एंड इसको भी स्टार्ट करते हैं हम। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, इसी ऑन करते हैं, गर्मी है थोड़ी सी। तो अब इसका आप देख सकते हैं, इसका मीटर क्लस्टर जो है वो ग्लोरी से ज़्यादा प्यारा लग रहा है एंड अट्रैक्टिव लग रहा है। अब इसमें लाइट्स इसकी ऑटो है एंड वाइपर आई गेस इसमें ऑटो नहीं आता, तो वाइपर इसमें ऑटो नहीं है और 360 कैमरा नहीं है। लेकिन इसमें इस गाड़ी में लंबर सपोर्ट आता है एंड इसका एडवांटेज ये है कि ये 2000cc इंजन के साथ आती है गाड़ी, तो इसकी मतलब टॉर्क ज़्यादा होगी। वो 1.5 लीटर गाड़ी है, ये 2000cc लीटर गाड़ी है। तो इसमें अब ग्लोरी में जो नहीं आता वो मैं बता दूं, इसमें आप डिफरेंट ड्राइविंग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। डाउनहिल असिस्ट आपको दिया हुआ है, ऑटो होल्ड दिया हुआ है जो ग्लोरी में नहीं है, एंड इसमें वो है डिफरेंशियल लॉक है जो ग्लोरी में नहीं आता। ट्रैक्शन तो उसमें भी है, ये भी उसमें है, बल्कि ऑलमोस्ट सारे फीचर सेम है। तो ये तो था गाड़ी का अंदर से कुछ रिव्यू। अब ग्लोरी में हाँ ये भी नहीं आता, ये ऑटो डिमिंग मिरर जो इसमें आता है, जो आपको पीछे से लाइट तेज पड़ रही हो तो ऑटोमेटिकली आपकी वो कम करा देता है, खुद ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो अब ये देख लें, इसका ये टुक्सॉन का इंटीरियर है अंदर से, और अब ग्लोरी का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इनकी दोनों सीट्स जो है वो 6-way इलेक्ट्रिक पावर्ड है एंड ग्लोरी की जो है वो सिर्फ ड्राइवर साइड 6-way पावर्ड है एंड पैसेंजर साइड 4-way पावर्ड है। एंड टुक्सॉन में आते हैं आपके पास 2 एयरबैग और ग्लोरी में 4 एयरबैग्स आते हैं। तो ये इनका एक कंपैरिजन रिव्यू था, होपफुली आपको पसंद आया हो इन गाड़ी का रिव्यू, हो इनका बेसिक डिफरेंस था। एट द एंड ऑफ द डे लोगों की अपनी अपनी ओपिनियंस होती हैं कि कौन सी गाड़ी किसको पसंद आती है। ये वो उसका एडवांटेज ये है कि वो 5-seater है, उसकी प्राइस थोड़ी कम है एंड ये उसकी, अब ये होंडा ही है तो इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, ये कोरियन ब्रांड है, वो चाइनीज़ ब्रांड है, तो लोग चाइनीज़ ब्रांड को थोड़ा कम प्रेफर करते हैं एंड ये कोरियन ब्रांड को थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये अब ज़्यादा टाइम से मार्केट में गाड़ी अवेलेबल है, इसकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी है तो लोग इसको प्रेफर करते हैं। अब इसका यही दोनों के डिफरेंसेस थे। तो होपफुली आपको यार ये रिव्यू पसंद आया होगा एंड कमेंट में बताएं आपको कौन सी गाड़ी पसंद आई दोनों में से, ग्लोरी या टुक्सॉन। मेरे मुताबिक तो यार दोनों गाड़ियां मुझे बड़ी पसंद आई, बड़ी मज़े की गाड़ियां हैं और दोनों की फ्यूल एवरेज भी ऑलमोस्ट सेम 9-10 है। ग्लोरी भी 8-9 करती है, ये भी 10-9 एवरेज करती है। तो अब इस रिव्यू को हम इधर ख़त्म करेंगे एंड अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो आप हमारे मतलब ये कंपैरिजन रिव्यू पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे एक नए रिव्यू में नई गाड़ी के साथ। हम आपके लिए गाड़ियां लाते रहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें एंड 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा दें। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।